तो आने पे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्लू डायमंड होटल। आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्ट होने वाला है, तो वीडियो को आगे तक देखिए। ब्लू डायमंड बीजापुर के फेमस होटल के अंदर आज हम लोग खाना खाने वाले हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करना और वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम ब्लू डायमंड होटल की बिरयानी खाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार आदाब, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं ब्लू डायमंड होटल में आया हूं दोस्तों। मेरे बीजापुर का खास, जिस तरह गोल गुमट है, जिस तरह बारह कमान है, जिस तरह इब्राहिम रोज़ा है, जितने भी आदिशाही की इमारतें हैं, उसी तरह की एक खास पहचान है बीजापुर के अंदर बिरयानी की। बिरयानी का होटल बोले तो हमारे बीजापुर में वन एंड ओनली ब्लू डायमंड होटल, जिनके साथ मेरा पिछले 17 से 18 साल का रिश्ता है दोस्तों। 17-18 साल पहले मैं जब मंड मौल्या और दलिंदर दौला वीडियो किया था, तो उसके अंदर इस होटल के अंदर जब ये छोटा सा होटल था, तो इस होटल के अंदर मैंने कॉमेडी एक सीन किया था दोनों वीडियो के अंदर। तो अभी तक 17-18 साल में मुझे कभी मौका ही नहीं मिला कि मुझे यहाँ पर आकर दोबारा इसका शूटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आज कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो ब्लॉग के अंदर आपको यहाँ पर किस तरह अब किस तरह ये होटल चेंज हो चुका है, यहाँ किस तरह खाना मिलता है, हम भी खाना खाएंगे, वो सारा वीडियो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। ये क्या बन रहा भाई, ये क्या बन रहा है? ये चिकन कबाब है ना? हाँ, वो शीख कबाब ना, बीफ। हाँ टिक्का, पहाड़ी टिक्का, मलाई टिक्का, शीख कबाब, फूल तंदूरी, हाफ तंदूरी, चंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, रेशमी टिक्का, पहाड़ी टिक्का, बड़े का शीख कबाब, चिकन का शीख कबाब। तो ये है दोस्तों ब्लू डायमंड होटल। आप देख सकते हैं किस तरह शानदार, यहाँ पर आपको चिकन मटन आपको सब तरह के वेराइटीज़ के आपको यहाँ पर ही मिलते रहेंगे। तो आप इधर देख लीजिए, आपको मैं किस तरह से यहाँ कुकिंग करते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा फेवरेट होटल है। तो ये है हमारे ब्लू डायमंड होटल का किचन, जहाँ पर यहाँ पर चिकन 65 का यहाँ पर पूरा फ्राई कर रहे हैं। तो देख लीजिए कितना शानदार यहाँ तरीके से वहाँ पर तंदूर बन रही है, तंदूर की रोटियाँ, वाव, बहुत ही। भट्ट साहब या तंदूरी का लेता हूँ सर को जरा। तंदूरी, यहाँ पर तंदूर की रोटियाँ बन रही हैं पूरा। ओह तंदूर, ले तू तो तुम्हारा भी लेता हूँ। ये क्या चिकन 65 बन रहा है? ये चिकन 65 है। क्या क्या बनाते हो तुम्हें? चिकन लॉलीपॉप है, लेग ड्रॉप्स है, चिकन 65 है, चिकन बिरयानी है। ये चिकन 65 है, चिकन लॉलीपॉप है, चिकन लेग ड्रॉप्स है, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, यहाँ पर हाँ हर तरीके का, वेज नॉन वेज दोनों। दोस्तों ये है मेरा फेवरेट होटल। आज से हम लोग यहाँ पर 2004-05 में शायद मेरे मंड मौल्या पार्ट टू के वीडियो के अंदर, पार्ट वन के वीडियो के अंदर भी मैंने यहाँ पर एक कॉमेडी फिल्म का यहाँ पर खाना खाने का जो एक सीन किया था, तो उस चैनल उस वीडियो के बाद आज 17 साल के बाद मुझे इस होटल में आकर दोबारा शूटिंग करने का मौका मिला है। तब ये गेट नहीं था, ये जो गेट देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब ये जो गेट था, ये गेट नहीं था, ये बस स्टैंड के सामने से आएगा गेट है, ड्रीमलैंड टैकीज के सामने से। ये गेट पहले नहीं था, सबसे पहले इस आज से 15 साल पहले इस होटल का गेट ये था दोस्तों। यहाँ पर आपको सामने जाकर दिखा दूँ आपको, ये गेट
पहले के होटल में और पहले के शानदार डेकोरेशन के से और आज के डेकोरेशन में थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है और बहुत ही वीआईपी सेक्शन यहाँ पर इस होटल का हो चुका है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ब्लू डायमंड होटल के अंदर। लेकिन दोस्तों, लेकिन खाने के जायके में अभी भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर हम लोग कई बड़े बड़े इंटरनेशनल छोटे से छोटे होटल लेकर इंटरनेशनल होटल तक भी हम देखते हैं कि जैसे ही वो होटल छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसके खाने का जायका पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन ब्लू डायमंड होटल का एक ऐसा खाने का जायका है जो अभी तक, आज 20-22 साल हो गया लेकिन अभी तक कोई चेंज नहीं है। तो आज हम यहाँ पर इस व्लॉग के अंदर आज हम यहाँ पर खाना भी खाने वाले हैं, तो 3-4 दोस्त भी हैं, तो खाना खाने का भी ब्लॉग लेंगे। यहाँ बहुत सारे अंदर मैं किचन का भी ब्लॉग लूँगा, किचन का भी दिखाऊँगा कि किस तरह यहाँ पर बिरयानी बनती है और कितने क्विंटल जाती है, कितनी बिरयानी जाती है यहाँ पर डेली सेल होती है, वो भी मैं शबीर भाई से पूछूँगा। तो इस होटल में हमेशा रात के 10-11 बजे तक हमेशा यहाँ पर भीड़ बनी रहती है और यहाँ पर बिरयानी का तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो पूरे कस्टमर यहाँ पर बिरयानी का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीजापुर शहर ही नहीं, पूरे अथराप के, खेड़े के, कस्बे के सभी लोग यहाँ पर बिरयानी खाने आते हैं। ब्लू डायमंड होटल की बिरयानी तो एकदम एक नंबर बिरयानी है। कभी बीजापुर आएंगे तो आप बस स्टैंड रोड को लक्ष्मी टाकिज के अपोजिट में आपको ये होटल देखने को मिलेगा, तो ज़रूर एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, मैं पहले थोड़ा बहुत, उन्होंने ज़रा बिजी हैं तो मैं थोड़ा आगे ले जाकर दिखाता हूँ कि हमारे दोस्त कहाँ कहाँ बैठे हैं पूरा। अब इसके अंदर, इस कमरे में, इस बिल्डिंग में पहले इतना ही पोजिशन था, ये जो दिख रहा है इतना ही पोजिशन था। तो ये सेक्शन जो है, ये एंट्रेंस यहाँ पर, यह नया बना है, ये एंट्रेंस आपको दिखा रहा हूँ, ये एंट्रेंस पूरा नया बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा, ये एक नया सेक्शन है, 17 साल में पूरा चेंज हो चुका है ब्लू डायमंड होटल। एक बार आइए और अपनी फैमिली के साथ भी आएंगे तो भी आपको ये भी एक यहाँ फैमिली सेक्शन बना हुआ है, देख लीजिए ब्लू डायमंड होटल के अंदर। आप आइए, आप यहाँ पर सभी लोग बिरयानी खा रहे हैं, तो ये पूरा फैमिली सेक्शन है। आप अगर कोई अपने बीवी बच्चों को भी लाएंगे तो भी आपको ये यहाँ पर खाने का मज़ा ले सकते हैं, उनको, अपनी फैमिली को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ अंदर एक फैमिली सेक्शन है तो आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये पूरा फैमिली सेक्शन है, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा है ये, पूरा फैमिली सेक्शन है, पूरा बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इस होटल के अंदर फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा यहाँ पर दी जाती है। तो ज़रूर एक बार इस ब्लू डायमंड होटल को आप विज़िट करें। बादशाह खान ऑफिशियल। तो चले चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि शबीर भाई हैं क्या नहीं, क्या खाने का ऑर्डर आएगा नहीं, वह बुकावे है, भूख लगी है, ये ऐसा भिखारी है सरकार देते नहीं भाई। देखा क्यों भी हालत, देख बेच के आता क्या, क्यों दिख रहा, देखो नहीं वीडियो में आता क्या, कत्ते साल का बुक्का है क्या, क्या देखो, देखे ये बढ़ते ले, आता हाथों ठहर में दो मिनट यहाँ पर देखेंगे तो अंदर मैं आपको किचन को लेकर, किचन ले जाकर दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं मिस्त्री? तो ये है यहाँ पर किचन, ये कौन सा है सब शेरवा, ये पालक शेरवा, यहाँ पर अंडा, चिकन, मटन और बिरयानी यहाँ पर मिलती है, बहुत अच्छी। ये पिछले 17-18 सालों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और ये होटल बनकर 20-22 साल हो गया लेकिन अभी भी यहाँ पर इस बिरयानी का जायका पूरा चेंज नहीं हुआ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ज़रा सर को ज़रा देखो, अभी ज़रा देखेंगे, अब यहाँ देखो चावल बन रहा है पूरा, वाह। डेली कत्ता जाता बा, एक क्विंटल पचास किलो डेली, माशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। हाँ नींद भर देना आली बैड़ा थोड़ी बीड़ू बैड़ा। तो चलो, इससे पहले हम लोग इतना खाने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग शब्बीर भाई का थोड़ा बहुत, शब्बीर भाई से ज़रा बात करेंगे।
तो चले चलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है अभी। अब आ चुका है खीमा और ये है मटन ग्रेवी आइटम, मटन फ्राई। वाह, देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है मेरे भाई। तो डाल ले भाई। रोटी तंदूरी खाता है क्या, चपाती खाता है? चपाती खाता है। तू कत्ते भी चपाती खाया, तू क्या गोरा होता नहीं? हाँ लो साहब, डालो साहब। चपाती आ गई। तो ठीक है, अभी मेरे लिए तो खाना आ चुका है, अभी मैं यहाँ पर डाल लेने वाला हूँ खीमा, थोड़ा सा खीमा, खीमा, थोड़ा सा मटन डाल लेंगे, मटन डालने के फिर चपाती के साथ इसका खाने का मज़ा ही अलग है। लगता है आपको मुंह में पानी आ रहा होगा दोस्तों, तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आइए और इस मटन का, इस खीमे का, इस होटल की बिरयानी का मज़ा लीजिए। तू नहीं खाता कभी, तू क्या देख रहा है इधर? अब खाने का गुलबर्गा से। ये देखो गुलबर्गा से आए हुए यहाँ पर खाने का। यहाँ कहीं आए थे जी? कॉलेज है यहाँ गुलबर्गा, यहाँ सीख रहे हैं। गुलबर्गा में तो बहुत हैं, तो रे वाह वाह है। अच्छा, हरी मिर्च है वैसे फेमी में, अभी लगी देखो हरी मिर्च। चपाती लगाएगा बा? दो फूली भी बहुत होती है, पहला ही फूल लेता हूँ। भाई एक दो चपाती ले बा, दो फुल बिरयानी ले, नरम बोटी बिना चर्बी के, बोलो मिस्त्री को बोलो अंदर। हाँ, और एक दो चपाती है, ये भी दो चपाती हैं क्या अभी? ये बिरयानी है। ओके, डालते से चलो। ये है यहाँ पर ब्लू डायमंड होटल की बिरयानी, ये फुल बिरयानी है।
रगड़ो भाई चट्टी वाले रे ए सुना पड़ता रे अब्बा है खाता है सुना हमारे अब्बा देखो साहब देखो इन्हें अब्बा कहते हैं इन्हें बड़ा है क्या मैं बड़ा देखूँ साहब भैया ना इन्हें बड़ा दिख रही मैं बड़ा दिख रहा हूँ अबे क्या सिर में बाला है जिसके सिर में बाला गई उन्हीं बड़ा आदमी जिसके सिर में बाला है उन्हें बड़ा नवें अब इसके साथ यहाँ पर पालक शेरवा ये पालक का ग्रीन शेरवा है देखो जबरदस्त शेरवा इसे पीने में मजा आता है वाव जरा लींबू निचड़ को पीने करता है जबरदस्त है तो पालक का चाहिए सब ले ए मामा जरा पालक का शेरवा दे बाटकी दो बाटकी मुझे हाँ मैं ग्रीन शेरवा है पालक का शेरवा अभी आने वाला है हाँ ए यत्ती बचा सा तुर मैं तू वाला बचा मैं बोले आया मैं आज ही बचा सा है इल्जाम मेरे पूरा था पूरा खा को नहीं खाया डाले 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 बे डर रहा है क्या डालेंगे देखो अभी वीडियो देखो ये क्या कर गाल देते हैं मैं भी आगे छोड़ने का भी आज शाम को छोड़ छोड़ता हूँ मैं भी आगे देख तो चलिए मेरा खाना तो हो चुका है अभी अब हाथ धोने का भी कहाँ जा रहे हैं बच्चा जाते हैं सोलापुर वाले नहीं तुम्हें सोलापुर वाले तुम्हारे सोलापुर के लोगों को बुला ले कहो हमारे ब्लू डायमंड होटल खाना खाने तुम्हें अरे एक नंबर बढ़िया खाना है हाँ। जाओ इधर खाना खा के हाँ। इधर आपको मन पसंद की खाना है ऐसे नहीं मन पसंद की और एक बार आओ मेरा यहाँ ये वीडियो बादशाह खाना ऑफिसर में मेरा नंबर मिलता है मेरे लगा का। तुम्हें अगले बार आए तो तुम्हें चिकन तंदूरी खिला तो मैं खिला आपको लगाओ क्या आपको बाद में लगा देते ठीक है ऐसे बहुत सारे चाहने वाले मिलते हैं हमारे वीडियोस देखकर उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी चलिए हमारे इस ब्लू डायमंड होटल के मालिक के साथ हम थोड़ी सी बहुत दिन हो गया 17 साल के बाद उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो उनके साथ बैठकर बात करने का अक्सर मौका मिलता है मुझे लेकिन इस होटल आज अभी देखेंगे 2005 से और 2022 का होटल बहुत बड़ा हो गया है पूरा वीडियो में आपने देखा ये कामयाबी खुदा के फजल करम से पीर मुर्शिद की दुआओं से ये बहुत ही अभी और मैं चाहता हूँ कि 3 फ्लोर हो 4 फ्लोर हो हर जगह बेलगाम नियाज के जैसा हमारे बीजापुर में एक टक्कर का एक होटल हो जाए मेरी भी एक दिली तमन्ना है तो खासकर ब्लू डायमंड होटल के लिए हमारे खासकर दुआएं हमेशा उनके हक में हम करते रहते हैं तो हम पितली साहब से मिलेंगे शब्बीर भाई पितली साहब से इस बिल्डिंग के ओनर से तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई। वालेकुम सलाम शबीर भाई। अभी हमारा ये खास हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये हमारा जो ब्लू डायमंड होटल है कितने साल पुराना है? तकरीबन एक 30-35 साल पुराना है। लेकिन मेरा और आपके साथ सोबत में आया मैं आपके 15-18 साल पहले आया जब ये होटल था सिर्फ इतना ही विंग था लेकिन अभी 3 गुना ज़्यादा हो गया है उधर भी लग गया है लगा ऐसा नहीं करम है सब लोगों की मोहब्बत है चल रहा है। और खाने में भी शबीर भाई क्या खास बात है जो अभी मैं 17-18 साल पहले जो खाना खाया था और आज जो खाना खा रहा हूँ
10 स्टेप्स ज़्यादा उमदा क्वालिटी का खाना है और साथ ही साथ जायके में भी जरा चेंजिंग हुआ है, हाई क्वालिटी का चेंजिंग हुआ है। पहले से और ज़्यादा तरक्की करे सर और अलग अलग आइटम भी ज़्यादा बनाए सर। हर टाइप का आइटम मिलता है यहाँ, कोई ये ब्लू डायमंड में नहीं मिलता बोल के नहीं, तमाम तरह के आइटम रखने की कोशिश करें और भी आगे रखते हैं, और भी ज़्यादा आइटम बढ़ाने वाले हैं और इसके बाद और थोड़े दिन के बाद और चेंजेस करने का इस होटल को इंशाल्लाह, अगर आपकी सबकी दुआ रही तो इंशाल्लाह हो जाता है। बेशक बेशक। देखा आपने इस होटल के ओनर आप शब्बीर भाई पितली साहब ने यहाँ पर होटल के माध्यम से दो बातें की और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप जितने भी हमारे आउट ऑफ सिटी के जितने भी जिले के या स्टेट के लोग हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बीजापुर गोल घुमट इब्राहिम रज़ा यहाँ पर जो भी हमारे आदिल शाह की इमारत में देखने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप आ रहे हैं बीजापुर में सारे इमारतें तो देख ली, अगर ब्लू डायमंड का खाना नहीं खाया तो क्या किया, ये बात तो आपको क्वेश्चन मार्क के अंदर मैं दूंगा। तो एक बार ज़रूर ब्लू डायमंड में खाना खाने के लिए आ सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगले अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो के लिए, आप इंतजार कीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।